हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को एंड शेयर करना है अपने SAP सर्किल्स के साथ। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज से हमने डिसाइड किया है कि हम जो जितने भी बिजनेसेस प्रोसेस होंगे उनको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे एंड आपको कमेंट सेक्शन में इसको देखने के बाद में, इस लेक्चर को देखने के बाद में अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हमको ये प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन। आज का टॉपिक है सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो डेफिनेटली आप इससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? इंटरव्यूअर जो है वो आपसे बिजनेस प्रोसेसेस ही पूछेंगे, राइट? स्टेप्स आपसे नहीं पूछने वाले हैं या फिर आपसे टी कोड्स नहीं पूछने वाले हैं, राइट? तो बेसिकली होता क्या है सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, राइट? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर 37th में भी ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो एक बार दोबारा से आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। लेट सपोज कि आपकी कंपनी है, आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो चेयर्स, राइट? तो आप चेयर्स जो है मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन आप जो है उसकी पेंटिंग नहीं करते हो। तो उसके क्या ही रीज़न हो सकते हैं? लाइक आपके पास रिसोर्सेस की कमी है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो आप उसमें पेंटिंग नहीं करते हो। तो आप क्या करोगे, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर खोजोगे जो आपके लिए उस पर पेंटिंग कर सके, राइट? खोज लिया, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं। तो आपने जो पेंटिंग एक्टिविटी के लिए आपने सब कॉन्ट्रैक्टर जो है सेलेक्ट कर लिया अपनी कंपनी के लिए, राइट? तो आप क्या करोगे, बेसिकली मैंने लेक्चर 37 के अंदर इसको 9 सब स्टेप्स में बांटा था, लेकिन इसके अंदर जो मेन स्टेप्स हैं वो 4 होते हैं, राइट? तो पहला स्टेप होता है कि आप क्या करोगे, परचेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे यूजिंग आइटम कैटेगरी एल। तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे और किसके लिए क्रिएट करोगे, फाइनल प्रोडक्ट के लिए और पेरेंट कंपोनेंट के लिए। तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे एंड सेंड कर दोगे टू द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। सो दिस इज द स्टेप 1, ठीक है? एंड सेकेंड स्टेप इज आप क्या करोगे, अनपेंटेड चेयर हैं उनको सेंड करोगे टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, राइट? तो इसको कहते हैं हम गुड इशू ऑफ द कंपोनेंट। सो दिस इज द स्टेप 2। एंड हमारे केस में ये अनपेंटेड जो चेयर्स हैं वो हैं चाइल्ड कंपोनेंट, राइट? एंड जो पेंटेड चेयर हैं वो हैं पेरेंट कंपोनेंट। सो दिस इज द स्टेप 2 कि हमने अनपेंटेड चेयर्स जो है वो इशू करा दिए टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर जिससे कि वो उस पर पेंटिंग कर सकें, राइट? तो लेट सपोज कि हमने 100 चेयर सेंड करी एंड हमारा डिसाइड हुआ था कि ये पर पीस पर चेयर पेंटिंग का 100 रुपीज़ लेंगे या फिर 10 रुपीज़ लेंगे, लेट सपोज, ठीक है? तो ये हो गया 1000, राइट? तो हमने क्या करा, 100 चेयर्स को सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर को सेंड कर दिया। सो दिस इज अ स्टेप 2। स्टेप 3 इज पेंटिंग के बाद में सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर वो हमको सेंड करेगा फाइनल प्रोडक्ट को, दिस इज गुड रिसिप्ट GR, राइट? तो जो पेंटेड चेयर है वो सेंड करेगा टू आवर कंपनी, राइट? सो दिस इज स्टेप 3। एंड द फाइनल स्टेप इज कि हम क्या करेंगे, इनवॉइसिंग करेंगे फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस ओनली। तो जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग के लिए करने वाले हैं, राइट? वो सिर्फ सिर्फ पेंटिंग के लिए करने वाले हैं, वो हम फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ऑलरेडी हमको ही बिलोंग करता है, राइट? तो हम सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग सर्विस का उसको इनवॉइसिंग करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं। सो दिस इज द स्टेप 4।
तो टोटल इसके चार स्टेप्स होते हैं, राइट। एंड ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। एक सिनेरियो और हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो हम चेयर सेल करते हैं, तो इस केस में हमारा ये भी केस हो सकता है कि हम मैन्युफैक्चर भी ना करें चेयर, राइट, डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ सेल करें चेयर। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो मैन्युफैक्चर्ड जो चेयर है, अनपेंटेड मैन्युफैक्चर्ड चेयर जो है, वो हम किसी अनदर वेंडर से परचेज करें एंड उस पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराएं टू द पेंटर। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम पहले वेंडर से जो अनपेंटेड चेयर है, मैन्युफैक्चर्ड अनपेंटेड चेयर वो खरीदें, राइट, पहले खरीदें, देन वो गुड्स रिसिप्ट करें, देन हम उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए सेंड करें। तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एक नॉर्मल पीओ क्रिएट करते हैं टू द वेंडर। तो इस केस में क्या होता है कि लाइक हमने कि मैन्युफैक्चर्ड चेयर के लिए नॉर्मल पीओ क्रिएट किया, तो उसके अंदर डिलीवरी एड्रेस के अंदर एक एससी वेंडर का चेक बॉक्स होता है, उसको हम फ्लैग कर देते हैं, राइट। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये जो एससी वेंडर है, डिलीवरी एड्रेस में ये जो एससी वेंडर का जो चेक बॉक्स है, अगर इसको हम चेक मार्क कर देते हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा, कंपोनेंट है, लाइक हमने एक नॉर्मल पीओ क्रिएट किया फॉर मैन्युफैक्चर्ड चेयर, अनपेंटेड मैन्युफैक्चर्ड चेयर, तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्टली हम जब एससी वेंडर को फ्लैग कर देंगे इन द डिलीवरी एड्रेस, तो वो डायरेक्टली हमारे पास ना आके वो डायरेक्टली इनके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर या सब कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा। देन हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर टू द सब कॉन्ट्रैक्टर, राइट, एंड देन हम गुड्स रिसिप्ट कर लेंगे फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस केस में, इस सिनारियो में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो जो गुड्स इशू है, जो कंपोनेंट्स है, वो ये वेंडर सेंड कर देंगे टू द सब कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर इसकी नीड नहीं है, हम गुड इशू नहीं करेंगे, तो इस स्टेप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने नोटबुक पर नोट बना के लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट इज इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर, प्राइस इज जस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एज बी ऑन द प्रोडक्ट। कि जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, उसके अंदर जो प्राइस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के लिए डालोगे, उस फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं एंटर करोगे। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने फर्स्ट सिनारियो देखा था, तो उसके अंदर हमने परचेज ऑर्डर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टर। तो उसके अंदर जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो आइटम कैटेगरी में ऑब्वियसली एल लेंगे, लेकिन प्राइस में हम सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग सर्विस का प्राइस एंटर करेंगे, फाइनल पेंटेड चेयर का प्राइस नहीं एंटर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ, प्राइस इज जस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, राइट, एज बी ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, आफ्टर गुड्स रिसीव्ड ऑफ अ फिनिश्ड कंपोनेंट, थ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैपन। देखो जैसे ही हम गुड्स रिसीव्ड करते हैं, तो इसके अंदर तीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज कि हम कंपोनेंट्स ऐप सेंड करते हैं, दिस इज गुड इशू, तो ये फर्स्ट फाइनल ट्रांजेक्शन होता है। सेकेंड इज हम गुड रिसीव्ड करते हैं ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, और इन दैट केस पेंटेड चेयर, हमने पेंटेड चेयर का गुड्स रिसीव्ड किया, तो ये सेकेंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। एंड थर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज कि हम गुड्स रिसीव्ड करते हैं फॉर द सर्विस, राइट। तो तीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, इस वजह से छह अकाउंट
छह अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, राइट। नॉर्मल केस में सिर्फ दो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं आफ्टर गुड्स रिसीव्ड, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट में आफ्टर गुड्स रिसीव्ड छह अकाउंट एंट्रीज होती हैं, राइट। तो इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा डाउट आता है उनको कि ये छह अकाउंटिंग एंट्रीज क्यों होती हैं, एंड इंटरव्यूअर्स भी आपसे पूछते हैं क्योंकि इसके अंदर छह अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। नॉर्मल केस में जब आप जीआर करते हो, गुड्स रिसीव करते हो, तो उसके अंदर दो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, वो आपको मैं एसएपी सॉफ्टवेयर पर कल एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर गुड्स रिसीव्ड, राइट। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना है, अपने फीडबैक्स देने हैं इन द कमेंट सेक्शन कि हमको ये व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक करना है, शेयर करना है अपने एसएपी सर्किल्स के साथ में। सो थैंक यू लास्ट तक लेक्चर को देखने के लिए।